हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणीता भूषण, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम मैंगो फिरनी बनाएंगे। मैंगो से हम कई चीज़ें बनाते हैं फ्रेंड्स, तो आज मैंगो फिरनी बनाएंगे। मैंगो फिरनी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बनाना बहुत आसान है। और आइए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। दो पके हुए मैंने आम लिया है, देख सकते हैं मैंगो, इसको बिना रेसे वाला आम चाहिए हमें। और 8-10 बादाम, 8-10 काजू मैंने काट लिया है। 1 चम्मच छोटी इलायची को पीस लिया है मैंने। 1 कटोरी मैंने चीनी ली है। चावल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था धो के, तो मैंने छोटी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल ली है। मतलब बड़ी चम्मच से आप समझ सकते 5 से 6 चम्मच चावल होगा। उसको धो लिया है, धो के मैंने अच्छे से सोक करने के लिए रख दिया था 1 घंटे के लिए। बिल्कुल जब भी आप फिरनी बनाए फ्रेंड्स, तो चावल को 1 या 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे तो अच्छी सी फिरनी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और 1 kg मैंने दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। सबसे पहले हम दूध को चढ़ा देते हैं गैस पर पकने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने गैस ऑन कर दिया है, गैस पर मैंने चढ़ा दिया है भिगोना। दूध पकने देंगे, जब तक हमारा दूध उबलेगा तब तक आइए हम आम काट लेते हैं। पहले इसको हम छीलेंगे। पहले हम आम छील लेते हैं, देखिए मैंने छीलिया है। इसको काट लेंगे, इसके हमको प्यूरे बनाना है, मैंगो प्यूरे। इसको काट के हम प्यूरे बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, मैंने मैंगो उसको काट के मैंने प्यूरे बना लिया है। इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा प्यूरे बनना है, इसमें बिल्कुल गांठे ना रहे हैं। बहुत अच्छे से मिक्सी में चला के आप प्यूरे बना लें। तो मैंने बना लिया है, देखिए कटोरी, इसको रख देंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा से आम काट के रखे हैं, ये देखिए छोटे टुकड़े मैंने काट लिए हैं आम के। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं हमने। इसको हम रख देते हैं अलग गार्निशिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने मैंगो प्यूरी बना लिया है, मैंगो काट के रख लिया है। और अब हम चावल को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्सी में नहीं चला डाल के हम पीसना है हमें। तो देखिए थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा पानी है इसमें, हम डाल लेते हैं। मैंने क्योंकि अच्छी तरीके से धो के रखा है फ्रेंड्स इस चावल को, थोड़ा पानी के साथ इसको। तो देखिए फिर मैंने इसको पीस लिया है चावल को, देखिए दरदरा सा पिसा हुआ है, हमको दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से दरदरा, बिल्कुल दरदरा सा पिसा है, इस तरीके से हमको चाहिए। उसको कटोरी में निकाल लेंगे, बिल्कुल दरदरा सा पिसा है, देख सकते हैं। इसको हम रख देते हैं अभी। आइए अब दूध हम देख लेते हैं, दूध में उबाल आने लगा है। तो देखिए फ्रेंड, दूध हमारा उबलने लगा है। ये इसमें चीनी डाल देंगे और साथ में ये चावल डाल देंगे हम, जो हमने पीसा है अभी दरदरा सा, देख सकते हैं आप। इसको डाल देते हैं, चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल चलाते हुए पकाना है। 10 मिनट के लिए हम इसको चलाते हुए पकाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है, बहुत अच्छे से पक गया है। देखिए जो दानेदार हमारे चावल ये दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। थोड़ा सा इसमें हम काजू और बादाम डाल देंगे, थोड़ा सा काजू बादाम डाल देते हैं ऊपर से इस तरीके से। देखिए इलायची पाउडर डाल देंगे, आपको इलायची पाउडर पसंद हो तो आप डालिए, पसंद नहीं है तो आप ना डालिए। और मैंगो प्यूरी जो हमने लिया है इसको भी डाल देंगे। देखिए इसको डाल के सही से चलाना है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे हम, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। ये कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल पीला पीला सा कलर हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो हमारी फिरनी बिल्कुल 2 मिनट तैयार हो जाएगी। चलाते हुए इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो गया है, फिरनी हमारी पक गई है। तो गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम सर्व करेंगे। वो ठंडा हो गया है, ठंडा करने के लिए रख दिया था भगोना गैस से उतार के, नीचे स्टैंड पे मैंने रखा है ठंडा होने के लिए। बहुत ठंडा हो गया है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सर्व कर लिया है, गार्निश करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हम आम डालेंगे, जो मैंने बारीक बारीक काटी थी थोड़ी सी चौकोर में, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं इस तरीके से। आप इसमें जो ड्राई फ्रूट पसंद हो फ्रेंड्स डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू बादाम, आपको जो भी पसंद हो उसको आप डालिए, गार्निशिंग करिए फ्रेंड्स। इसको ठंड के मौसम में गरम गरम खाइए और गर्मी में बिल्कुल चिल करके खाइए। इसको फ्रिज में हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैंगो फिरनी सर्व कर ली है, इसको बिल्कुल चिल करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी बना है मैंगो फिरनी हमारी।
है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। शेयर करना ना भूलिए। कौन बात से कमेंट